स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो विचार तकरार। एक अहम मुद्दे से विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। लगभग 14 हक्की मंगां नूं लैके किसान भाईचारे वालों, किसान जथेबंदियों वालों पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। जी हाँ, दिल्ली की तर्ज से पक्के मोर्चे का ऐलान करदिआं भाईचारे वालों, किसान भाईचारे वालों पक्का मोर्चा मोहाली चंडीगढ़ दीआं बरूहां ते लगा दिता गया। पहला ही पंजाब सरकार नूं अल्टीमेटम दिता गया सीगा, दो तीन मीटिंगां तो बाद अल्टीमेटम दिता गया सीगा कि जेकर साडियां मंगां ना प्रवान होईआं तां असीं पक्का मोर्चा लगावांगे। अज पंजाब सरकार वालों ये वादा किया गया सी, जो किसान भाईचारा कह रहा है, किसान जथेबंदियां कह रही हैं कि सानूं वादा किया गया सी कि अज सीएम साहब दे नाल तुहाडी मीटिंग करावांगे, मीटिंग तो बाद तुसीं कोई भी फैसला लेना होया वह मंजूर है। पर ऐन मौके पर आके सीएम साहब दे नाल मीटिंग कराउण तो सरकार ने ना कर दित्ती, क्योंकि भगवंत मान साहब ने दिल्ली जाना सीगा, यह गल कही गई। भगवंत मान साहब दिल्ली चले गए तो किसान चंडीगढ़ वालों हो तुरे। किसानों का इल्जाम है, किसान जथेबंदियों का इल्जाम है कि साडे नाल धोखा किया गया, सानू यह भरोसा दवाया गया सीगा कि भगवंत मान साहब दे नाल तुहाडी मुलाकात करावांगे, पर साडी मुलाकात नहीं कराई गई। इस तों बाद पुलिस ते प्रशासन ने उन्होंने कहा कि तुसीं अगे ना वधो, तुहाडा मीटिंग का कोई प्रबंध कर देंगे, पर किसान भाईचारा नहीं मनिया। उसने बैरीकेड तोड़द्या होया, एक बैरीकेड तोड़द्या होया अगे वधे ते हुण चंडीगढ़ ते मोहाली दियां बरूहां ते उन्होंने पक्का मोर्चा लगा लिया। हुणे हुणे प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की, और प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्होंने यह कहा कि कल तक का अल्टीमेटम असीं दिंदे आ पंजाब सरकार नूं कि साडे नाल मीटिंग की जाए, साडियां मंगां मनिया जाण, नहीं तां इह रोस इह मुजाहरा होर अगे तक वध जाएगा। आखिरकार किहड़ियां उह मंगां ने, किहड़ियां उह डिमांड्स ने जिन्हां नूं लैके किसान भाईचारे वालों धरना प्रदर्शन किया जा रहा, पक्का मोर्चा लाया जा रहा है। यह ने प्रमुख मंगा जिन्हां मंगा ते किसान भाईचारा लिया होया। मक्की ते मूंगी MSP ते खरीदन दा नोटिफिकेशन जारी होवे, सिर्फ जबानी असी एतबार नहीं करते। बासमती का भाव 4500 रुपए ऐलाना जाए, यदा भी नोटिफिकेशन कढ़िया जाए। BBMB दे विच पंजाब दा नुमाइंदा बहाल करावे पंजाब सरकार। हाल ही दे विच BBMB दे विचों एक मैंबर कढ़ता सी पंजाब दा, केंद्रीय पूल दे विचों मिलदी बिजली बहाल कराई जावे, इस दे लई मुजारा किया जावे, प्रोटेस्ट किया जावे। झोने की लवाई लई 10 जून तो बिजली ते नहरी पानी दिता जावे, जबकि सरकार 10 जून तो मना कर रही है। खेती मीटरां दी लोड फीस 4800 तो घटा के 1200 रुपए की जाए, ये बहुत ज़्यादा फीस है, 1200 रुपए की जाए। 35 रुपए वादे दे नाल गन्ने का बकाया दिता जाए, जो कि लगभग 2 सीजन का खड़ा होया। चोण वादे के मुताबिक किसानों का सारा कर्जा माफ होवे, इस सरकार वालों कहा जा रहा कि चोण वादा किया गया सीगा। पंचायती जमीना के नाते आबादकार किसानों तो जमीन खोनिया बंद हो, कल असी भी मुद्दा चुकया सीगा, छोटे किसानों तो जड़ियां जमीन लिया जा रही ने, यह जमीन वापस कीतियां जाण। वड्डे जड़े मगरमच्छ ने जिन्होंने जमीन ते कब्जा किया होया, वह जमीन उन्होंने लिया जाण। इस तों अलावा एक दो चीज़ा होर भी ने इन दियां, जिन्हां दे विच ए भी है कि जोनां दे विच वंड के झोना बिजली का फैसला वापस लिया जाए, चिप वाले मीटर लाने वाले फैसले को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इस दे नाल ही कर्जे च फसे किसानों के वरंट कढ़ने ते कुरकियां करनियां बंद कीतियां जाण, क्योंकि इस ते गल ये आ रही है सामने कि लगातार उन्हां दियां कुरकियां हो रही ने जमीन दियां, उन्हां दे खिलाफ वारंट ने जिहड़े वह भी कढ़े जा रहे हैं। बिजली लई माफ करना बिजाई लई नहरी पानी भी सारे पंजाब दे विच 10 जून नूं दित्ता जाए, खेती मोटरां दे लोड वधाउण दी फीस 1200 रुपए की जाए। अज सवेर तो लैके रात तक किसानों की गहमा गहमी जारी रही। पहला मोहाली के अंब साहब गुरद्वारा साहब के इकट्ठ किया गया, इंतजार किया गया कि शायद सरकार वालों कोई हाँ पक्षी हुंगारा आवे, शायद सीएम साहब मीटिंग करन, पर अजिहा नहीं होया। जिस तो बाद मोहाली के अंब साहब तो एक काफिला शुरू होया, चंडीगढ़ दी बरूहां ते जाके रुक गया। सवेर तो लैके हुण तक दी कुछ खास तस्वीर तुहानूं दिखाने। सिखां सेवकां दे सिर ते आप जीआं ने मेहर भरिया हथ रखना है गुरु गरीब नवाज। बोले सोनेहा, जो साडा फैसला सीगा ऐलान सीगा भी 17 तरीक नूं दिल्ली दी तर्ज ते मोर्चा शुरू करांगे, उस फैसले मुताबक उस तरीक नूं असीं चाले पाते आ चंडीगढ़ वल ते पक्का मोर्चा ला के बैठांगे जिन्ना तकर मंगां दा नबेड़ा नहीं हुंदा। सो ये तस्वीर अच्छ सारा दिन देखने को मिली, पक्का मोर्चा जोड़ा
वह किसान भाईचारे वालों लगा दिता गया अल्टीमेटम किसान भाईचारे वालों किसान जथेबंदियां दावा यह किया जा रहा है कि लगभग 25 किसान जथेबंदियां इस धरने के शामिल ने और यह पक्का मोर्चा लगा दिता गया जब तक ये मंगा प्रवान नहीं होंदिया। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे पर गलबात करने के लिए अमरदीप सिंह धारनी साहब बुला रहे श्रोमणी अकाली दल के, हरप्रीत सिंह बुला रहे आम आदमी पार्टी के, SS चन्नी साहब बुला रहे बीजेपी पंजाब के और साडे नाल रविंदर मीत ग्राउंड जीरो तो जुड़े हुए हैं। सब तो पहला ग्राउंड जीरो पर चलते हैं रविंदर मीत, हुणे हुणे प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान भाईचारे वालों की गई है, उन्हां वालों की कुछ खास कहा गया, मोटी मोटी जानकारी जो साडे कोल आई है कि कल तक तो अल्टीमेटम दिता गया कि कल तक सीएम साहब ने मुलाकात कराई जाए, मीटिंग कराई जाए, नहीं तो विरोध होर तिखा होएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कल तक का समा सरकार नूं दिता गया कि सरकार इन्हां मंगां ते गौर करे। एक दर्जन तो ज़्यादा मंगा हैगियां जिन्हां नूं लैके अज मोहाली दियां सड़कां ते किसान बैठे ने, पूरे पंजाब तो ये किसान आके मोहाली दियां तत्तियां सड़कां ते बैठे ने। तस्वीरां भी तुहानूं दिखावांगे, नाल नाल जानकारी भी दिंदे रहांगे तां कि दर्शकां नूं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पता चल सके कि आखिरकार ग्राउंड जीरो ते हाल की हैगा। जो दिल्ली दे बॉर्डरां दे उत्ते तस्वीर सी भाईचारे दी, उह हुण मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर ते भी देखने मिलती है। एक बार मैं तस्वीर तुहानू दिखा दंगा, जिस तरीके शुरुआती दौर दे विच जदों दिल्ली मोर्चा लग्या सी तां लंगर लगन दीआं तस्वीरां दिखियां सी, तां उही तस्वीरां एक बार फिर तो मोहाली चंडीगढ़ के बॉर्डर से भी लगदियां होईयां दिख रहीआं ने। किसान पक्के तौर पर इत्थे बैठ गए ने, लंगर का प्रबंध किया जा रहा, सीधे तौर पर कहा जा रहा कि असीं साल तक का इत्थे राशन लैके पहुंचे हुए हैं। तुसीं तस्वीरां देखो, रोटियां बनाउणियां शुरू कर दित्तियां हन। किन्ना टाइम बैठना इत्थे? जाते मानदा नहीं है, मना के जाऊंगे। दिल्ली दे विच तां एक साल बैठे सी, इत्थे किन्ना राशन लैके पहुंचे हो तुसीं? वीर साडा कहना हुंदा बाबे नानक दा लंगर है, असीं 6 महीने बाद तां दिल्ली गए थे, टाइम किन्ना लाया असीं उरा 6 महीने कह के ना, आ तां साडा लोकल एरिया पंजाब है, उड़ता साल 2 साल जिन्ने मर्जी असीं बैठे रहूंगे। मंगा मनवा के जाऊंगे, मतलब मंगा तो सब तो पहला साड़ी जी मंग है, साड़ी मंग मान लवे, सानू तो कोई शौक नहीं है धरने लाने का, सड़क रुकने का। 47 डिग्री 47 डिग्री टैंपरेचर सीगा, पूरा दिन संघर्ष किया, संघर्षां दे पोतों खेतों के पोतों अज फिर तो बैठे हो, किवें लग रहा कि जरूरत पई सी कि इत्थे आके तुसी प्रदर्शन करो आके इत्थे बैठो? असीं वीर साड़ा ना जिहड़ा खेती, असीं खेती नाल जुड़े हुए, साड़ा हर रोज टैंपरेचर नाल अच्छा जी काणा उहदे सप्पां दे सिरियां ते पैर रख के असीं रोटी कमाउने आ, दिन मां भी बरसात मां भी जद भी हैं असीं खेतां विच रहिंदे हैं, 100 जानवर है, तुहानूं पता ही है, तुसीं जाणदे हैं जिमीदार नूं, तां इह संघर्ष कीता जा रिहा। इह तस्वीरां ने अर्पित अपने दर्शकां नूं असीं तस्वीरां दिखा दिंदे कि इह तस्वीरां इत्थे भी हैगियां ने, भाईचारे की तस्वीर एक दिख रही है, ट्रालियां नूं घरां दे विच तब्दील कर दिता गया, देखो तुसीं कूलर भी इत्थे लैके पहुंचे ने, राशन भी इत्थे लैके पहुंचे ने, जिवें दिल्ली दीआं ट्रालियां दे विच, दिल्ली दे बुरुआं ते ट्रालियां दे विच माहौल सीगा दिखदा, उह हुण चंडीगढ़ मोहाली दे बॉर्डर ते भी दिखण लग गया। भाईचारा भी अलग अलग जगह तो अलग अलग जिले तो इत्थे लगातार किसान पहुंचे हुए ने, तो यह तस्वीर हैगी आ मंगा जिहड़ियां रखियां जा रही, एक दर्जन तो ज़्यादा जिहड़ियां मंगा हैगियां ने, इन्हां मंगा ते कोई पहली चर्चा नहीं हैगी, इस तो पहला भी सरकार नाल बहुत सारिया मीटिंगां हो चुकियां, लेकिन सरकारां मन्नण दा नाम नहीं लैंदियां इन्हां मंगा नूं। चलो मीटिंग गल, मीटिंग गल होर लैके अज बैठे हुए, सवाल जरूर तुहाडे तों पुछणा चाहुंदे आ कि जिवें दिल्ली दे विच मोर्चा लग्गिया सीगा, लगभग सारिया किसान जथेबंदियां 30 तो 32 किसान जथेबंदियां सीगियां जिन्हां ने पूरा साथ दित्ता सीगा, कुछ गल्लां इह भी सामने आ रही ने कि दिल्ली वर्गा समर्थन किसान जथेबंदियां नूं नहीं मिल रहा, दिल्ली वर्गा हुंगारा किसान जथेबंदियां नूं नहीं मिल रहा, किसानों नूं नहीं मिल रहा, अजिही कोई शुरुआती तौर पर गल नज़र आ रही है? दिल्ली दे विच भी शुरुआती तौर पर कुछ अजिहा सी पर बाद दे विच मोर्चा जिहड़ा वह काफ़ी चरम सीमा ते पहुँच गया सी। जाहिर तौर पर सवाल किसान जथेबंदियों भी पूछा गया कि जो हुंगारा जो समर्थन दिल्ली के बॉर्डर से किसानों मिले जथेबंदियों मिले वो इतने दिखाई नहीं दिता, तो किसान जथेबंदियों वालों सीधा तौर पर यही गल कही है कि दिल्ली एक बहुत व्डे इशू लैके असी नस्लों के बचाव के लिए इशू लैके उ गए से, असी बहुत व्डा इशू सगा खेती कानून के जरिए किसानों जमीन से हथियाने की कोशिश कर रही थी सेंटर सरकार, लेकिन इतने इशू स्टेट लैवल के इशू
इशू है स्टेट लैवल के इशू के हौली हौली किसान वड्डी गिनती दे विच इत्थे आउणगे। शुरुआती माहौल दे विच शुरुआती टाइम दे विच दिल्ली भी इन्ना कट नहीं सी, लेकिन उस तो बाद हुंगारा NRI भरावां दा बहुत मिलिया, पंजाब दा बहुत हुंगारा मिलिया, हरियाणा दा मिलिया, उस तो बाद यूपी दा, तां तमाम पूरे देश दे विचों हुंगारा मिलिया। लेकिन जल्दी दे विच थोड़ा जिहा जा रही है कि शुरुआती दौर जल्दी दे विच तुहाडे ते समझणा चाहुंदे आ कि किन्ना कु इकट्ठ है। तस्वीरां दे जरिए तुसीं जरूर दिखा दिओ कि किहड़ी सड़क हैगी है, कि किन्ना कु ट्रैफिक इहदे नाल रुक रिहा, किन्ना कु लोकां दा जिहड़ा काम है वह खराब होगा, और थोड़ी जी तस्वीरां होर जरूर देखना चाहते। बिल्कुल, अपने दर्शकों नूं असीं पूरा सिनेरियो समझा दें, पूरा ये ग्राफिकली किस तरीके नाल इफेक्ट होया पूरा एरिया वो समझा दें। ये YPS चौंक वजदा, YPS चौंक चंडीगढ़ दे नाल लगदा बिल्कुल, तो इस चौंक के चारे पास का पूरा एरिया ब्लॉक कर दिता गया, यानी कि इस एरिया दे विच जो भी व्हीकल लैके आएगा वो उन्होंने अनुमति नहीं हैगी इत्थे आउण दी, इत्थे नहीं आ सकता कोई भी इत्थे व्यक्ति। अगर कट्ठ की गल करिए तो मैं तस्वीरों के जरिए कट्ठ भी दिखा दिना, दोपहर तक इतने कुछ ट्रालियां दिखदियां सी, लेकिन हुण 3 किलोमीटर तक ट्रालियां इतने दिखनिया शुरू हो गई ने। एक क्यों कट्ठ की गल की जा रही थी, क्योंकि सवेर तक इतने कट्ठ इन्ना ज्यादा इसलिए नहीं सी क्योंकि पंजाब के बहुत दूर दराडे जिहड़े मोहाली तो बहुत दूर दराडे लगते हैं इलाके, या मुकसर ला लो, या फिर अबोर ला लो, या फिर कोटकपुरा ला लो, या इधर गुरदासपुर ला लो, तमाम जिहड़ा एरिया है बहुत दूरी पर पै जाता मोहाली नूं, तां आउण दे विच समां लगता है। जिहड़े किसान हैगे ने ट्रालियां लैके 10-10, 12-12 घंटे का सफर करके हुण पहुंचे ने, तो वड्डी गिनती दे विच हौली हौली जिहड़े किसान हैगे उह पहुंच रहे ने। तो ग्राफिकली समझा दिंदे पूरा एरिया जिहड़ा हैगा उह ब्लॉक कर दिता गया, आम लोगों की आवाजाई बंद कर दी गई है। सामने जिहड़ी सड़क हुण तुसीं देख रहे हो इह चंडीगढ़ नूं जांदी आ, बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर चंडीगढ़ शुरू हो जाता, तो चंडीगढ़ के एंट्री पॉइंट से ही 6 लेयर सिक्योरिटी बैरीकेटिंग लगा दी गई है, एंटी रॉयट पुलिस बुला ली गई है, वड्डी गिनती दे विच पुलिस इतने पहुंची, पंजाब के अलग अलग 14-15 जिले तो इतने पुलिस बुला के इतने लगाई गई ताकि किसान अगे ना जा सकन। लेकिन किसानों वालों कहा गया कि शांतमई तरीके असी प्रदर्शन करांगे, असी किसी भी तरीके की बैरीकेटिंग नहीं तोड़ांगे, अगे नहीं जावांगे, सानू इतने बिठाया गया, असी दिल्ली के तर्ज से जिवें सानू दिल्ली के बॉर्डर से बिठाया गया सी उवें असी हुण चंडीगढ़ के बॉर्डर से इतने बैठांगे, तो अपनी मंग इतने बैठ के शांतमई तरीके मनवा के उठा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद मेरे नाल बने रहो, क्योंकि साडा होर भी मेहमान जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर बाद रमन भी साडे नाल जुड़नगे इस धरने तो ही। सब तो पहला हरप्रीत सिंह हुरा तो ले लेने रिएक्शन, आम आदमी पार्टी के बुलारे हरप्रीत सिंह, ये नौबत आ गई है कि जो केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किसान जथेबंदियां कर रही सगिया, अजो तुहाडी सरकार के खिलाफ कर रही 14 उन्होंने मंगा ने, जिन्हों मंगा को लेकर वार बार मीटिंगा भी हुई, मीटिंगा बिजली मंत्री नाल भी हुई, चेयरमैन PSPCL के नाल भी हुई, कुछ गल्लां मुख्यमंत्री साहब के नाल भी मीटिंग करन दी आईयां, पर अज अजिही की नौबत आ गई कि मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग तक नहीं की इन्हां जथेबंदियां नाल, दिल्ली जाना ज़्यादा जरूरी सी जी। इहदे बारे मैं सब तो पहला तो किसान जथेबंधियों तो पार्टी तौर पर माफ़ी भी मंगदा कि उन्होंने इन्ना ज़्यादा समा कट के इतने बॉर्डर से आना पिया। होर रही गल मुख्यमंत्री साहब की, मुख्यमंत्री साहब दिल्ली किसानों दी ही मंगा नूं लैके केजरीवाल साहब नाल मीटिंग करन गए ने, ते ओ उन्हां नाल इसलिए मीटिंग करन गए, मतलब विरोधियों की गल ठीक है, फिर दिल्ली तो बिना तुसीं चलदे नहीं, दिल्ली तो बिना पंजाब चल नहीं सकदा, भगवंत मान साहब अपने तौर पर कोई फैसला लै नहीं सकते। इन्हां देखो जी जिहड़े किसानों ने मुद्दे दसे ने ओह मुद्दियां दे विचों 6 मुद्दे तो केंद्र नाल जुड़े ने, ते केंद्र नाल फिर प्रधानमंत्री तो नहीं है केजरीवाल साहब, प्रधानमंत्री नाल मीटिंग करन फिर जाके केजरीवाल साहब के नाल नाल जी साडे राज्यसभा सांसद भी ने उत्थे, प्रधानमंत्री साहब ने तो पहला ही इहदे विचों पंजाब तो हक होने शुरू करते। इहना अज देखो जी अज सवा तीन लाख करोड़ का पंजाब ते कर्जा चढ़ गया, उन्होंने कवर करन दे विच भी नवीं सरकार है 2 महीने। हरप्रीत सिंह जी अपन ये पता सी ना कि किसान जथेबंदियों ने अल्टीमेटम दिता हुआ, सानू क्या होया कि इस तरीक तक जे ना मंगा पूरियां हुई तो असं धरना लावे, असं पक्का मोर्चा लावे, तो अज ही अपन मीटिंग याद आ गई कि केजरीवाल साहब ने मीटिंग करनी है इस मुद्दे पहला भी इस मुद्दे लैके पहला मीटिंग नहीं करनी चाहती सी, अज हल लैके किसानों के सामने आते 47 डिग्री टैंपरेचर किसान सड़कों पर बैठा है, तो तुम कह रहे हो कि मीटिंग करने के लिए केजरीवाल साहब के कोल गए ने भगवंत मान साहब। देखो जी किसानां दी गल है, किसानां नूं लैके साडी सरकार पहले दिन तो ही किसानां दे पक्ष दे लई सोच रही है, ते किसानां दे लई ही सोच के ये मुद्दियां नूं असी चक्किया गया है जी। अज किसान इत्थे आए ने वोटर ते, पहली गल तां उहदे लई पार्टी वल्लों माफ़ी भी मंगदे आ जी, उहनां नूं अपना इन्ना समां कढ के आना पिया, पर असी साडी सरकार किसानां दे लई काम कर रही है,
नवी सरकार है जी, दो महीने हो या सानू तो थोड़ा समा मांगते हैं, कल तक लई जो मुख्यमंत्री साहब आदेश होगा ओदे आदेश दे तौर ते किसानां नाल मीटिंग जिहड़ी इहनां किसानां दी मंगां तुहानूं जायज लगदी है कि नहीं? जो किसानां दी मंगां है जिहदे विच उन्होंने 14 मंगां रखियां कि बोनस दिता जाए 500 रुपए प्रति क्विंटल क्योंकि कणक का झाड़ घट गया, 10 जून नूं झोना लवाउण दी उन्होंने मंग की है, इस तों इलावा छोटी छोटी उन्हां दी मंगां ने, मैं तां कोई बहुतियां वड्डियां भी नहीं। एक मंग नूं तुसीं दरकिनार जरूर कर सकते हो कि पूरे कचे ते लीक मारी जाए, वो पॉसीबल है भी नहीं है किसी भी सूबा सरकार दे लई, उस मंग नूं तुसीं साइड कर सकते हो। उस तों इलावा जिहड़ियां इहनां दीआं मंगां ने उहदे विच तां कोई अजिही वड्डी मंग भी नहीं है जिसके लिए तुहानूं बहुत वड्डा सरमाया चाहिए होवे। देखो जी जिहड़े इन्हां दे विच मुद्दे ने, इन्हां चों 6 मुद्दे तां साडे सीधे तौर ते स्टेट दे नाल जुड़े होए हैं, जिन्हां दे लई मुख्यमंत्री साहब आला अफसरां नाल कृषि मंत्री जी आपस दे विच इस समय मीटिंग कर रहे ने, मीटिंग करके वह इस दे उत्ते जल्द तो जल्द हो सकिया अज शाम तक या कल सवेर तक किसान जथेबंदियां नाल मीटिंग करके इस चीज़ का कोई हल कर सकन, ताकि किसान बंदियां नूं उस चीज़ बारे समझाया जा सके। बाकी जो केंद्र नाल जुड़े मुद्दे ने इतिहास ने अपने आप नूं दोहराया, कदे तुसी कटहरे दे विच हुंदे सीगे, कदे तुहाडे तों सवाल पुछे जांदे सीगे, अज दूजे पासे कटहरे दे विच ने आम आदमी पार्टी की सरकार, उही किसान जथेबंदियां, उही धरना लाण वाले, पर मुद्दे वखरे ने और मुद्दे मनाने किसे होर तों ने, पर इह फिर भी तुहाडे उत्ते सुट रहे ने कि बहुत सारे मुद्दे केंद्र दे नाल जुड़े हुए ने, केंद्र सरकार उह मंगा मन्ने तां असीं भी मन्नण नूं तैयार हां। देखो हरप्रीत, ते सब तों पहलां तां मैं कहूंगा जी कि कॉमेडी करनी, लोकां नूं एंटरटेन करना और सरकार चलानी जी जी उहदे विच बहुत फर्क है। एक्चुअल कट करने भाषण देने होर गल है, पर सरकार चलानी होर गल है। और बड़ी बदकिस्मती है पंजाब दी कि इन्नी इमैच्योर लीडरशिप मिली है पंजाब नूं पॉलिटिकल कि जिहड़ी ब्यूरोक्रेसी हैगी है उहनूं भी अपना काम बिना नहीं कर दिता जा रहा, और उन्होंने कोई सेध भी नहीं मिल रही, ना उन्होंने यह पता लगता किनूं पुछिए ते ना सरकार नूं पता है भी असी की करना है। और हुण तुसीं देखो किड्डी माड़ी गल है, पहले ही इन्हां दे उत्ते इल्जाम लगदा सीगा कि ये सारे पपेट्स ने केजरीवाल दे, ते अज भी जदों के इंटेलीजेंस इनपुट सी जथेबंदियां दा एक नोटिस दिता होया सीगा, ते अज फिर वह केजरीवाल दे कहण ते दिल्ली चले गए बजाय कि वह किसानां नूं मिलदे, ते जा हो सकदा चाहे जिहड़ा बार एसोसीएशन दा फंक्शन सी वो भी किसी होर दिन हो सकता सी, किसानां नूं तां फिर भी मिल सकदे सी। ते इह जिहड़े किसानां दीआं मंगां हैगीआं ने उह मंगां इन्हां दे खुद दे कीते वादे ने। तुसीं ठीक कहा कि जिहड़ा चलो कर्जे वाली गल हो रहा है, पर इन्हां ने कहा कि मैं मूंग ते MSP दूंगा, मैं बासमती ते MSP दूंगा, मैं अपनी जिहड़ी हैगी आ तुहाडी मक्की ते दूंगा, ते कर देण उहदी नोटिफिकेशन। फिर इन्हां ने कहा सी मैं बोनस भी दूंगा, फिर बोनस भी जिहड़ा हैगा वो अलाउ कर दे। और साडा गुआंढी सूबा हैगा हरियाणा जिहड़ा 14 फसलां ते MSP दे रहा है जी, असीं कोई नवीं गल नहीं कर रहे, ते सानू साडा जिहड़ा किसान वीर हैगा, साडा पाणी है, साडी धरती है, साडियां मतलब सारा कुछ उजड़ रहे हैं असीं, साडी जवानी भी, किसानी भी, धरती भी, पाणी भी, सब कुछ जहरीला हो रहा है, ते जे उहदा तां कोई अल्टरनेटिव हैगा। फिर इन्हां ने कहा जी तुसीं DSR करो, DSR तां करो, पर भाई पहला तुसीं सरकार ते तां पर प्लान कर लो भी तुहाडे कोले बीज हैगा कि नहीं हैगा, जे तुहाडे कोले बीज नहीं हैगा ते किदां तुसीं करवा दोगे DSR जिहड़ा तुसीं बीज कह रहे हैं। मतलब किसे चीज दी प्लानिंग जां कोई माइंड एप्लीकेशन जिहड़ा हैगा इन्हां दा उहदे विच नहीं हैगा, और इह केवल ते केवल बहानेबाजी नाल अनाउंसमेंट्स नाल केजरीवाल साहब नूं मिलिया जा रहा है तां जो केंद्र तक आवाज चुकी जावे। केजरीवाल साहब कोई ना तां सेंटर दे मिनिस्टर ने ना वो प्राइम मिनिस्टर ने, जे इक सेंटर दे नाल मंगां दी गल हैगी आ ते कंसर्न्ड मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट दे नूं मिले जां चीफ मिनिस्टर साहब उन्हां नूं मिलन, जां चीफ मिनिस्टर साहब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिलन, रखण उत्थे मंगा। केजरीवाल केड़ा सोर्स है, केड़ा रूट लभ लिया जिहड़ा इन्हां ने जिहदे नाल
सेंटर सरकार सारी गल्लां नजिठण गए उही तां गल चल रही है कि इह केवल दे केवल केजरीवाल दे पपेट्स ने होर कुछ नहीं हैगा और इन्नी भी नहीं उह जरूरत करन दे रहे आ कि जिहड़ियां पंजाब दीआं मंगां लै के इह सेंट्रल मिनिस्ट्री दे नाल अपना प्रोपर लायजन करन प्रोपर गलबात करन और मैनूं तुसीं हर बंदा हैरान है कि केजरीवाल केड़ा मियां जिहड़ा सोर्स है जिहड़ा भी शुरुआती तौर सर्दियों के दिन जो शुरुआत हुई अज मौसम थोड़ा बदलिया हुआ है 47-48 डिग्री टैंपरेचर चल रहा है अजिहे टैंपरेचर अजिहे गर्म मौसम भी किसान भाईचारा सड़कों उतरने लिए मजबूर है मंगा इस बार सूबा सरकार के खिलाफ ने पंजाब सरकार के खिलाफ ने और यह कहा जा रहा है कि जब तक मंगा नहीं मनिया जांदियां पक्का मोर्चा जारी रहेगा हरप्रीत जी मैं समझदा कि हिस्ट्री अपने आप च रिपीट करदी हैगी है जदों सिखां दी गल करी जावे पंजाब दे खिते दी गल करी जावे तां पिछली जिहड़ी हिस्ट्री आ उहनूं आपां जे चाह के देखीए ना उहदे विच मैं थोनूं इक छोटी जी एग्जाम्पल दे के दसदा हां साढ़े जिहड़े बापू जी सी ना उह इक वार ज्ञानी करतार सिंह दे नाल अपना नहरू जी दे नाल मीटिंग करन लई गए जदों बाहर निकले ना साढ़े बापू जी ने पुछया भी ज्ञानी जी नूं ब्रेन ऑफ द सिक्स कहा जांदा सी उन्हां नूं पुछया कि ज्ञानी जी की गल बात होई उन्होंने इस तरह सिर मारिया वह कहिंदे मेरे तां कोई गल समझ ही नहीं आई अज किसानां दे नाल बिल्कुल उस तरह हो रही हैगी है और लोग ये समझते हैं कि किसानां ने लोगों का भरोसा तोड़ता चाहे नैशनल लैवल से चाहे इंटरनेशनल लैवल से कारण की होया कि पिछले दिनों दे विच लोगों चाहे इंटरनेशनल लैवल दे उत्ते बैठे जिहड़े लोग सी जिन्नी उन्होंने हैल्प की जिन्ना कुछ उन्होंने जिहड़ा हैगा किसानां दे लई कीता उहदा रिजल्ट की निकलिया रिजल्ट आउटपुट जीरो निकली पहला कांग्रेस ने करी फिर बीजेपी ने करी अज जिहड़ी हैगी आ आम आदमी पार्टी दे नाल चलिया हुण मैं यह हिस्ट्री रिपीट करन दी क्यों गल कर रहे हैं पिछले दिन ही तुसी एक जिहड़ा हैगा डिबेट कीती सी जिहदे विच लखोवाल साहब मेरे नाल बैठे सी लखोवाल साहब ने उस मीटिंग होई सी इक सीएम साहब दे नाल भगवंत मान साहब दे नाल उस मीटिंग दे विच जदों शाम नूं तुसी उहदे डिबेट दे विच पुछया उहनां नूं उहनां ने इक्को गल कही कि जी उहनां ने सारियां मंगां मान लियां जिहड़ी इक अद्धी बार रहिंदी हैगी आ उह कहिंदे इक हफ्ते दे विच दस दांगे मैं उस दिन भी कहा सी मैं कहा लखोवाल साहब थोड़ी कोई मंग नहीं मनी जानी थोड़ियां इस तरह कदे जिहड़ियां हैगियां नोटिफिकेशनां ते बिना कदे मंगा नहीं होया करदियां उन्होंने कहा भी साड़ी आ भी मंग ली जी साड़ी आ भी मान ली साड़ी आ भी मान ली अज लोड़ हैगी है किसानां नूं जिहड़ा हैगा प्रोपर तरीके दे नाल फैसले लैण दी इन्हां दे नाल जिहड़ियां हैगियां डिप्लोमैटिक चालां जिहड़ियां हैगियां चलियां जा रहियां बार बार चलियां जा रहियां अज मैं पुछदा कि सब तो पहली गल किसानां दी मैं गल करदा किसानां ने सब तो पहला जदों कांग्रेस नूं जिताया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सब तो वड्डा धोखा जिहड़ा हैगा किसानां दे नाल कीता करजे ते लीक मारन वाली गल कीती करजे दी लीक दे उत्ते की बजिया की इन्हां ने कैप्टन साहब दे खिलाफ कोई धरना लाया दूजी गल कैप्टन इज नो बॉडी कैप्टन इक सरकार सी कांग्रेस की सरकार सी सरकार ने एक ने वादा किया कि असी आ कुछ करांगे अज उही जिहड़ी हैगी है सरकार हैगी है सिर्फ चेहरे बदले हैगे आ इन्हां नूं चाहीदा हैगा कि उह सरकार नूं उस दा वादा पूरा करना चाहीदा हैगा किसानां दे जिहड़े हैगे आ वादे पूरे होने चाहीदे दूजी गल कैप्टन साहब दे टाइम दे उत्तों गन्ने दीआं मंगां बारे जिहड़ी हैगी गल्लां चलदियां आ रहियां हैगियां समय ते आईआं ना जी उत्थे कैप्टन साहब नूं छड्डो तुसीं नहीं नहीं मैं दस्सदा उह तों बाद नहीं भगवंत मान जी ने कहा कि जी एक हफ्ते दे विच थोड़े जिहड़े हैगा गन्ने दा बकाया जिहड़ा हैगा सारा दे दित्ता जाऊगा बिल्कुल कोई नहीं दित्ता गया अज किसान जे इत्थे बैठे हैगे आ तां किसानां नूं इह चाहीदा और दूजी गल 47 डिग्री टैंपरेचर दे विच अज किसान जिहड़ा हैगा बैठा हैगा और नीरो बांसरी वजाउण वास्ते जिहड़ा हैगा दिल्ली दे विच बैठा हैगा और किसान दे किसानां नूं इग्नोर करके दिल्ली दे विच इह भी किवें कहा जा सकदा है जिहड़े हरप्रीत जी कह रहे हैगे आ कि उत्थे सलाह करन गए आ किहड़ी अज तक इह गल होई हैगी आ कि उत्थे जा के डिस्कशन करन गए आ मीटिंग करन गए आ इस रिगार्डिंग दे विच करन गए हैगे आ सो मैनूं इह लगदा हैगा कि किसान अज जे बैठे हैगे आ किसानां नूं लोकां दा भरोसा और किसानां दा भरोसा
तोड़ना नहीं चाहिए और जेडियां डिमांड्स उन्हां दियां हैगियां और एक एक डिमांड जेड़ी है जेनुअन है चाहे एमएसपी की गल कर लिए चाहे किसी की गल कर लिए। चलो आप आने वापस आ रहे हैं, छोटे जे ब्रेक लिए रुकने का वक्त हो गया, ब्रेक तो बाद जल्द हाजिर होने। अमन अगे की रणनीति हुण किसान जथेबंदियों की हैगी है, हुणे हुणे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके हटे ने कोई मीटिंग दा कोई किसी तरह की कोई चाराजोई शुरू हुई है, कोई गल सिरे चढ़ती हुई नजर आ रही है? रमन जी हरप्रीत, कोशिश जरूर सरकार वालों अपने लैवल से की जा रही है, अधिकारी जरूर पहुंच रहे हैं, पर किसान शुरू हुई है सीएम नाल, सैकंड हुई है 10 मई नू सीएमडी ते अपने बिजली मंत्री नाल मंगा सारा मंग चार्ट पूरा डिस्कस हो गया डिटेल, 3 घंटे 4 घंटे डिस्कशन चलती रही है, इस करके डिस्कशन की उन्होंने असं क्यों टाइम बर्बाद करांगे। सो इस करके अच्छे साफ कहता भी जो सा असल में उन्हों का मनोरथ यह भी किसी ना किसी नोट पोस्टपोन अपना मोहाली चढ़ते पक्का मोर्चा लगता यह उन्होंने जवाबदेही होगी। तो दूजा उन्होंने भगवंत मान को यह भी डर हैगा आम आदमी भी पंजाब दे विच जिहड़ी ओपोजिशन है कोई मतलब पंजाब दे विच होंद नहीं दूजिया दे नहीं सानू दोलना है इस स्कैम दे अधीन यही ओपोजिशन का रोल कर रहे समर्थन किसान जथेबंदियों मिलिया समर्थन तुहानू नहीं मिल रहा, दूजे पासे फेसबुक उत्ते सोशल मीडिया से एक कैंपेन चलाई जा रही है कि यह पोलिटिकल मूव हैगा, यह पोलिटिकल कैंपेन है, यह पोलिटिकल प्रोटेस्ट हैगा, कुछ विरोधी पार्टियां वालों ये षड्यंत्र आम आदमी पार्टी के खिलाफ रचा गया है, ये उन्होंने खिलाफ है। और तीजी गल भी सुन लो, वो कहते हैं कि हले सिर्फ 2 महीने हुए ने सरकार को, थोड़ा टाइम जिहड़ा वो किसान जथेबंदियों देना चाहिए, ये 3 सवाल जरूर पूछ लो उन्होंने। जी जी फूल साहब, सवाल उ कि जिस तरीके काम कर रहे हो, तुम जिक्र किया कि विरोधी धिर तुहाडे ते इल्जाम लग रहे हैं कि तुम पोलीटिकल पार्टियां के हथकंडे बन के काम कर रहे हो, और दूसरा सवाल कि तुहानू उन्ना समर्थन नहीं मिल रहा जिन्ना दिल्ली जांदियां नू मिलदा सीगा, ते इस किस तरीके नाल फिर पूरा रहेगा? पहली गल तो जिहड़ा वी असीं पोलीटिकल पार्टियां के हथ ठोके बन रहे हैं, आ जिहड़ियां इन्हों एक भी किसी ने भी किसी भी पोलीटिकल पार्टी का समर्थन नहीं किया पंजाब चोणों के, जिन्होंने समर्थन किया सी जां आप उन्होंने लालसा दिखाई सी भी इस अंदोलन के प्रभाव में वरत के आप आपदियां रोटियां सेक लगे दाल आ लगे अपना भी एक अद्धा एम एल ए मंत्री बन जूगा, वो बिच है ही नहीं इस अंदोलन, ये उही जथेबंदियां ने जिन्ह ने किसी भी पोलीटिकल पार्टी का समर्थन नहीं किया, इस करके साढ़े तो यह जरा हाँ ये सवाल तुम उन्होंने कर सकते हो, राजेवाल कर सकते हो, दूजे कर सकते हो, संयुक्त समाज मोर्चे वाले पर साढ़े तो सवाल नहीं होंगे असं, क्योंकि यह किसी का मौका नहीं बने असं ना किसी का समर्थन किया। समर्थन मिलेगा दिल्ली वाला? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो जो समर्थन मिलना वो मेरे एक खातर जो सुरजीत फूल खातर डलेवाल खातर वो उन्होंने संकट है, वह हूँ देखो जो हजे कणक का मुआवजा बोनस मिल जाता जिन्ना असी मंग की उदा भी मिल जाता, घट्टो घट जो किसान है वह अपन लिमिटा ने उन्होंने 6 महीनों बाद भर के नवी कढ़ाया होंगे, वो लिमिटा भी घुमाइया नहीं जा रही, वह क्योंकि नकद पैसा है नहीं वह, सो इस करके वह हुण खुदकशियां कर रहे हैं, कोई परेशान है उन्होंने वह क्यों नहीं आने इतने कणक जिन्हों मंगा के हिसाब ना आए नहीं भी कोई साडा जाति है, साडा कोई हिस्टरी हैगी है, कोई साडा अज तक ना सी कोई सरकार तो लाहा लिया
ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1980-81 ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਊਗਾ ਪਿੱਛੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਸੋਨੀਪਤ ਰੋਡ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਰੂਪ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋਊਗਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਨਮੂਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ITCL ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਮੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ MSP ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਊਂਗਾ, ਉਹ ਆਹ ਬੋਨਸ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਰਮਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, MSP ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, MSP ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਣਕ ਦਾ ਜੇ ਝਾੜ ਕੱਟਿਆ ਉਹਦਾ ਬੋਨਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੂੰਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, CM ਸਾਹਿਬ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕੱਢਤੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਪਾਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਲ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਦੇ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ CM ਸਾਹਿਬ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਸਵੰਦ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਪਟ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਪਟ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ
पता नहीं कदों देंगे किदा वो की बहानेबाजी हो रही है 300 यूनिट पहली जुलाई तो शुरू होनी है और अगस्त सितंबर जाके तो बिल आना है जेड़ा 1000 रुपया देना सी भैणा नूं साडियां मावां नूं ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਘਿਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਲ ਪਈ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ 95,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ ਮਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਏ ਔਰ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਲੋਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਵੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੋ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਚਲੋ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਮਨ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਏਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਗੱਲ ਖਤਮ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਤਾ ਹੀ ਵੜਤਾ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਿਲਕ ਗਈ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ
रिएक्शन रमन तो भी ले लिए। रमन जिहड़ा किसानी मोर्चा किसानी अंदोलन दिल्ली दे विच लग्या सीगा, लगभग अजिहियां तस्वीरां ही देखण नूं दुबारा मिल रही हैं, लगातार तुसीं भी एक साल उत्थे बने रहे हो, इत्थे दीआं तस्वीरां किन्नीआं कु अलग ने दिल्ली दे नालों, ते इत्थों दे जिहड़े किसान ने उह की समझदे ने कि वाकई एक बार फिर तो इतिहास दोहराया गया। और तीजी गल जरूर किसी किसान तो पूछ लियो कि जिहड़े भावें वो चिप वाले मीटरां दी गल है या BBM वाली गल है, यह सारिया गल्लां तां ठीक ने कि तुसीं मंगा मान रहे हो, पर जिहड़ियां भगवंत मान हुरां ने कहा कि असीं बोनस तुहानूं देंगे, मूंगी असीं खरीदांगे, इन्नी बेतबारी क्यों है सरकार दे प्रति? जे वह कह रहे ने तां मंदे क्यों नहीं है लोग? जी हरप्रीत, जिहड़ी तुसीं गल कीती कि तस्वीरां किहो जिहियां ने, जगह बदली आ, तस्वीरां सेम ही आ। अज भी किसान नीली छत थले बैठे ने, उस समय भी नीली छत के थले बैठन के लिए मजबूर होए थे। यह तस्वीरां ने अज मोहाली दियां, जगह बिल्कुल बदल गई है। पहला देश की राजधानी सी, हुण सूबे की राजधानी आ। और देख सकते हो अज नीली छत हेठा ही बैठना पवेगा, उदों हड्ड चीरवीं ठंड सी, तां हुण सीने नूं ठारदी गर्मी आ, तां फर्क इन्ना की हैगा। और अज भी किसान मजबूर ने, प्रबंध जरूर कर लिया खब्बे सज्जों लाइट का कि घट्टो घट रात जिहड़ी हैगी आ सुख शांति निकल जाए, कल तक कोई ना कोई प्रबंध हो जाएगा। और पुछ लैने ये किसान जिहड़े साडे नाल ने, एक सरकार ते 2 महीने होए बने नूं, जो सोशल मीडिया ते लोग कह रहे ने कि समा देना चाहिए सी, बेअतबारी सरकार ते क्यों है? झोना तो हुण लगना बेअतबारी है क्यों नहीं? लोकां ने पनीरियां बीजियां सीगियां, इहने पहला ऐलान कीता, बाद ऐलान कीता ने लैण दा झोने दा, पनीरियां लोकां लड़ियां होईयां पईयां, 10 जून नूं झोना लाउणा सी, पहला ने साडा वायदा कीता वी कणक आपां दऊंगा, बोनस दऊंगा, एडी काली नहीं असीं कीती, इहने काली कीती करदे कम्म, असीं काले असीं पहला दिल्ली रह के आए, तुहानूं पता ही साडे नाल तुसीं रहे, उत्थे वी मौजूद रहे आ, उदों बाद चौंते धरना लाया जा के चिट्टे दे विरुद्ध नशे विरुद्ध, असीं किसे डिसीजन नाल लाउणे तां उदों गलत नहीं लाउणे, सही दा धरना साडा लग्गिआ। पर लोग पुछ रहे कि कल 2 महीने होए सी, 3.5 दिन होए सी, सरकार नूं थोड़ा वक्त दे दिंदे, कणक वास्ते इक हफ्ता मंगिआ सी असीं, फिर उहनां नूं बोनस दी खातर महीना टाइम दित्ता, होर मीटिंगां होईआं जिवें हुण झोने दी लवाई आ, ज्यादा ये पहला अनाउंस कर दे, साडियां पनीरियां तां 18 तरीक तक पक जाणियां ने, उदू बाद लवाई दे लायक नहीं रहणियां हैगियां, इन्हां इहनूं अनाउंस इहने गलत कीता, उह इह सानूं 10 तरीक करनियां पैणियां। हरप्रीत जी, सीधे तरीके नाल कह लगे तां किसान अपनी उपज नूं लैके परेशान है कि गल बाद विच कीती गई, दरअसल समा कुछ होर सी, समा पहला गल कर रहे थे कि तुसीं जेकर PR 126 दी पनीरी बीजने तो समा की होगा, PAU कोल किन्ना उहदा बीज हैगा, खेतीबाड़ी विभाग कोल किन्ना बीज है, हैरानी दी गल हरप्रीत जी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोल, पंजाब खेतीबाड़ी विभाग कोल एक दाना भी बीजदा नहीं हैगा PR 126, जिसके आए दिन इश्तेहारबाजी हो रही है। और किसान कह रहे हैं कि सानू मिलेगा कितों, सानू वो दुकान दस दो, दुकान दस दें, एक छोटा जिहा नुकता इहदे विच हरप्रीत जी, 2.5 किलो बीज एकड़ का पैंदा जेकर असी लवाई जिहड़ी हैगी आ जिहड़े हैगे लेबर तो कराईए, जेकर सीधी बिजाई करदे आ तां वो 5 गुणा वध के 9 किलो ते पहुँच जांदा, तां बीज दा एक दाने मिलदा, उह लवाई और जिहड़ी सीधी बिजाई किवें हो पाऊगी? सब तो वड्डी देखो जी, सब तो पहली गल तां जी, इस मैं सरकार वालों एक अपील करदा हैगा संयुक्त किसान मोर्चे नूं, पंजाब दे आम किसानां नूं, कि कल तक का सानू समा दिता जाए जी, जिवें संयुक्त किसान मोर्चे ने दिता है, सरकार इस चीज़ का हल जरूर कढ़ेगी। यह साडी जिहड़ी सरकार असली जिहड़ी जड़ है, यह केंद्र दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमियां, जो उन्होंने पंजाब का फंड रोकिया, यह पिछली सरकारां दे हालात जो अज करजे दे विच पंजाब दे ये हालात होए ने, पंजाब दे किसान पिछले 15 सालों तो भुगत दे आ रहे ने, जो अज इस चीज़ ते बन चुके ने। झोना लाने लई 10 तरीक मंग रहे ने, उहदे विच केंद्र दा की जिहड़े तां जी जिहड़े छोटे मुद्दे ने जी, जिहड़े 4-5 मेन मुद्दे जो स्टेट लैवल दे ने, उहनां बारे CM साहब जल्द ही अनाउंसमेंट करन जा रहे हैं। पर जेकर हरप्रीत सिंह, थोड़ा जिहा चलो आपां टाइम दे दिंदे तुहानूं होर, जेकर इह पूरियां डिमांड्स तुसीं देखोगे, इन्हां सारियां डिमांड्स विच मोटियां डिमांड्स तां तुहाडे तों ही मंग रहे ने, उह कह रहे ने कि 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, कणक दा झाड़ कट्टिआ उह तुसीं क्या असीं देंगे, तुसी क्या मक्की ते मूंगी दी MSP असी करांगे ओ तुसी देंगे, पंचायती जमीना ते ना ते आबाद कर किसानों नूं उजाड़िया जा रहा है, वो कल आपां डिबेट कीती, तुसी क्या भी इस मुद्दे ते करांगे, ये लगभग सारिया ही मंगा तुहाडे तों ने, झोने दी लवाई लई बिजली सप्लाई 10 जून नूं दिओ, जोनां दे विच वंडिया होया झोना असी नहीं लेना, इस तों इलावा गन्ने की फसल का बकाया, ये सारे मुद्दे तां तुहाडे ने, केंद्र का तो सिर्फ एक मुद्दा जिस दे विच चिप वाले मीटर ने बस।
ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰ ਜੀ ਤੇ BBMB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਇਆ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਪੜ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਪੜ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਰਫ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਜਵਾਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਈਨਰ ਕਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ BBMB ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੂੰਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਨਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜੀਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧਾ ਸੜਿਆ ਲੱਸੀ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਪੀਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ MSP ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਕਣਕ ਦਾ ਉਹ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC News ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।